यूट्यूब चैनल आई थिंक टेक्निकली रहा। आज की स्टूडियो हम डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सो डैट जो भी हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स करेंगे उनका वर्क डिस्कस करेंगे वो आप प्रॉपरली जान सकें। तो सबसे पहले अगर आप एमएस एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं उसके लिए आप सबसे शॉर्टकट मेथड यूज़ करिए। कीबोर्ड से प्रेस करिए विंडो और आर की, यहाँ पर फिल कर दीजिए एक्सेल, देन आफ्टर ओके कर दीजिए। जब आप ओके कर देंगे एंड आफ्टर डैट कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। फिलहाल मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैं एम एस एक्सेल का यहाँ जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 2010 और 2019। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दो एक्सेल के या एम एस ऑफिस के वर्जन इंस्टॉल्ड हैं तो उनको आप रन के थ्रू वन बाई वन ओपन नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे सर्च बार में, यहाँ पर फिल करेंगे एक्सेल। ऐसे ही वर्ड सर्च करना चाहते हैं वर्डप्रेस, यहाँ फिल कर दीजिए, पावर पॉइंट एंड पावर पॉइंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्सेल। इसको वन बाई वन क्लिक करिए, देन आफ्टर डैट ओपन हो जाएंगे। फिलहाल ये मैंने क्लिक किया था जो एक्सेल का 2019 वर्जन है। यहाँ पर देखिए इसका लेआउट ऐसा है और जो 2010 है उसका लेआउट ऐसा है, कुछ इंटरफेस ऐसा है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 2010 के बारे में। जो एम एस एक्सेल 2010 है उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं थ्री स्प्रेडशीट्स, ये देखिए नीचे आ रही हैं, शीट वन, शीट टू और शीट थ्री। अगर हम बात करें एक्सेल 2019 की, उसमें कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक क्लिक कर दीजिए। जब आप ब्लैंक वर्कबुक क्लिक करेंगे देन आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो यहाँ पर फिलहाल ओपन हो रहा है। देन यहाँ पर देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है वन शीट। आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हैं या 16 यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट थ्री शीट्स मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल का 2019 वर्जन यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वन शीट मिलती है। प्लस सिंबल से आप शीट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिलीट करना, और राइट क्लिक करके उसी टैब के ऊपर और वहाँ से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। और इसमें देख लीजिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, देन ऑन, यहाँ पर व्यू तक टैब्स अवेलेबल है। फिलहाल ऑफिस, कुटॉस और ये टैब्स मैंने ऐड ऑन डाउनलोड किए हैं। इनका क्या वर्क है फिलहाल हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और जो ऑफिस 2010 है उसका भी लेआउट कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर हम बात करें 2010 की, इसका जो इंटरफेस है कुछ अट्रैक्टिव है। और जो यहाँ पर देखिए फाइल बटन है इसमें कुछ ऐसी लेआउट है। लेकिन अगर हम बात करें 2010 की, इसमें देखिए कुछ लेआउट ऐसा है। तो फिलहाल इसके लेआउट का डिफरेंस और कुछ ऐड ऑन कमांड्स यहाँ पर इन्होंने इसमें बिल्ट इन कर दिए हैं। अगर आपने इसमें देखना है आपके एक्सेल में रोज़ कितनी हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से आप प्रेस करिए कंट्रोल देन एंड की, या कंट्रोल एंड की आप उससे ना हो तो कंट्रोल आप डाउन एरो कर सकते हैं। इससे आपको शो करेगा कि आपका जो एक्सेल उसमें कितनी रोज़ हैं। फिलहाल ये तो हमारी हैं 2019 में। अगर हम बात करें 2010 की, उसमें भी आप देखना चाहें कंट्रोल डाउन एरो करिए, दोनों में फिलहाल रोज़ हैं वो सेम है। अगर हम कॉलम को देखना चाहते हैं कंट्रोल देन राइट एरो प्रेस करिए, यहाँ पर देखिए एक्सएफडी है। एक्सएफडी मीन टू से 16,384, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इतना में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं रोमन्स को। तो अगर आपने शीट के बिगनिंग में मूव करना है तो कंट्रोल अप एरो करिए, देन अगर आपने बिल्कुल बिगनिंग में आना है सेल A1 में तो कंट्रोल देन राइट एरो आपने प्रेस किया था एंड में जाने के लिए, अपने राइट हैंड साइड में जाने के लिए। और जो कंट्रोल आप प्रेस करेंगे लेफ्ट एरो उससे आप बिल्कुल बिगनिंग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अब एक्सेल होता क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें स्प्रेडशीट्स मिलती हैं। यहाँ से यहाँ पर देखिए हमें थ्री स्प्रेडशीट्स मिल रही हैं और इनमें हम कोई भी कैलकुलेशन वर्क कर सकते हैं बाई यूजिंग फंक्शंस, डिफरेंट फार्मूलाज, पेरोल कह लीजिए, कोई अटेंडेंस शीट, कोई रिजल्ट वगैरह, वो आप सारा इसमें ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसकी पेज की सेटिंग करनी आनी चाहिए, सो डैट वो आपने इन फ्यूचर प्रिंट वगैरह करना तो वो कैसे होगा वो आप उसमें जान सकें। तो सेल में जो हम सारा डाटा यहाँ एंटर करेंगे वो सेल्स में आएगा। और दिस वन जो यहाँ वर्टिकल यहाँ लाइन शो कर रही हैं उनको हम बोलेंगे कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल है डैट इज़ नोन एज रोज। कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम मेक्स अ सेल। और हम सारा जो यहाँ पर वर्क करेंगे वो सारा सेल्स में करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने यहाँ कोई पर्टिकुलर मार्क्स यहाँ लिखे, हेडिंग भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो भी आपका सेल का एड्रेस होगा वो यहाँ जो फॉर्मूला बार है उसके स्टार्ट में शो करेगा। इससे आप जान सकते हैं कि कौन से आप सेल में वर्क करते हैं। तो पहले इसके जो इंटरफेस है वो भी जान लेते हैं। द टॉप मोस्ट बार ऑफ एनी
डॉक्यूमेंट इज नोन एज टाइटल बार। सो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट आपका जो एक्सेल की फाइल का नेम होगा वो बुक होगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर फाइल मेन्यू है, ऊपर क्विक सेस टूल बार है, यहाँ से कोई भी आप कमांड ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए और वो यहाँ ऐड हो जाएगी और वहाँ से आप उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। होम में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक टूल्स है वो होंगे, जैसे कि फॉर्मेट पेंटर हो गया जिसे आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप करना, सेल्स को मर्ज करना, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग देना, रोज कॉलम को इंसर्ट डिलीट करना या शीट्स को डिलीट करना, डिलीट के साथ साथ आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट फॉर्मूलाज जो हम बेसिक्स यूज़ कर सकते इसमें करते हैं, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में इनटू से अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, और फाइंड और रिप्लेस जो आपने एमएस वर्ड में किया था सेम ऐसे ही कुछ टूल्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कमांड्स हैं जो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इंसर्ट में आप कोई चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, या देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स अवेलेबल हैं, कोई पिक्चर, कोई क्लिप आर्ट, कोई शेप, स्मार्ट आर्ट, और इसमें जो ऑफिस 2010 है एक नया ऑप्शन है स्क्रीन शॉट का, कि आप किसी भी यहाँ जो विंडो है बैक एंड पे विंडो ओपन है उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देन यहाँ पर सेम हाइपर लिंक्स वर्ड आर्ट के थ्रू कुछ भी आप हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। पेज लेआउट में आपकी पेजिंग की सेटिंग होगी कि आपने पेज हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है, मीन टू से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, और आप कितना एरिया प्रिंट में चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। देन पेज का साइज चूज कर सकते हैं और यहाँ से आपका जो स्केल सेट कर सकते हैं कि मीन टू से एक जो शीट है आपकी एक्सेल की उसमें कितना आपका डाटा प्रिंट हो, और यहाँ से जो ग्रिड लाइन्स या प्रिंटिंग में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये जो प्रिंट ऑप्शन है। अदरवाइज यहाँ ऊपर से जो हेडिंग है हमारे कॉलम्स और रोज की, यहाँ से भी आप उसको हाइड वगैरह कर सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ से अगर आपको प्रिंटिंग में चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, उसके बाद इसको अरेंज करना और टेक्स्ट को डाटा को वो भी आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला। फॉर्मूला जो यहाँ पर टैब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, यहाँ से आप इंसर्ट फंक्शन के थ्रू भी उसको लिख के कर सकते हैं, शॉर्टकट F3 है। अदरवाइज फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, लुकअप, मैथमेटिकल फंक्शंस, मोर फंक्शन, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्मूलेस का फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके रिगेटेड यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स हैं। उसके बाद हम डाटा की बात करें, डाटा में भी काफ़ी अच्छी कमांड्स हैं कि अगर आप किसी एक्सटर्नल डाटा को अपनी शीट के साथ लिंक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सॉर्टिंग कमांड यहाँ पे भी है, अगर आप अपनी पूरी जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल में डाटा लिखा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम कमांड्स हैं। डाटा को आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, कंसोलिडेशन कर सकते हैं उसकी, और यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में काफ़ी अच्छी कमांड्स हैं, यह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब होगा। यहाँ और एक अच्छी बहुत अच्छी कमांड है डेट वन इज सब टोटल। उसके बाद हम जाएंगे रिव्यू टैब में, यहाँ से आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, थैशर्स दे सकते हैं, कोई वर्ड सर्च कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह की जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आप करेक्ट कर सकते हैं, और शीट्स को यहाँ प्रोटेक्ट करने के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं कि आप अपनी शीट को पासवर्ड दे सकते हैं या ऐसे ही आप इसको सिक्योरिटी दे सकते हैं, कोई भी पर्सन आपके यहाँ जो डाटा एंटर किया है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस ना कर सके। व्यू टैब में डिफरेंट टूल्स हैं कि जैसे आप अपने पेज को देखना चाहें, जैसे आपने कोई डाटा लिखा है पेज में, अगर आप यहाँ पर कर देंगे पेज लेआउट तो यहाँ पर पहले तो बताएगा कि आपका पेज कितना एक पर्टिकुलर शीट में शो कर रहा है, पेज ब्रेक में आपका जो पूरा डाटा है वो शो कर देगा कि आपका कितने कितने पेजेस में आपने डाटा लिखा है, उतना ही एरिया शो करेगा। देन नॉर्मल में आ जाएंगे, नॉर्मल में शो हो जाएगा, फुल स्क्रीन में करेंगे आपकी शीट पूरी स्क्रीन में शो करेगा, एस्केप से आप इसको बाहर आ सकते हैं इससे। देन और भी यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है जूम वगैरह करना, अदरवाइज जूम तो आप यहाँ स्लाइडर से भी कर सकते हैं। फिलहाल ये तो था कुछ एक्सेल का इंटरफेस। देन उसके बाद नीचे यहाँ जो दिस वन इज नेम बॉक्स, यहाँ पर आपका जो सेल का एड्रेस है वो शो करेगा, यहाँ पर जो भी आप फॉर्मूला टाइप करेंगे वो शो करेगा। नो आज हम देखेंगे एक सिंपल सा रिजल्ट क्रिएट करके कि एक्सेल में हम कोई भी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट का लिख रहा हूँ नेम, नेम के बाद उसका लिख लेते हैं रोल नंबर, रोल नंबर के बाद लिख लेते हैं क्लास, क्लास के बाद मैं दे रहा हूँ चार सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या मैथ्स, देन साइंस। अब यहाँ मुझे उनका टोटल चाहिए। नाउ सबसे पहले यहाँ मैं कोई रैंडमली नेम ले रहा हूँ ए बी सी डी, रोल नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ 1, क्लास यहाँ पर हम ले लेते हैं बी सी ए, देन मार्क्स हम यहाँ फिल कर लेते हैं। ये आपको मार्क्स तो मैनुअली फिल करने होंगे बिकॉज डिफरेंट कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने स्कोर किए होंगे, उसको मार्क्स को फिल कर लीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। नाउ अब देखिए यहाँ पर दो तीन और कैंडिडेट शो कर लेते हैं,
अब देखिए यहाँ तो फिलहाल जो मैंने स्टूडेंट्स लिए हैं नियर अबाउट 8 लिए हैं, लेकिन अगर आपके 80 हो गए स्टूडेंट्स यहाँ फिल कर लिए, तो अगर आप उनका रोल नंबर लिखेंगे मैनुअली एंटर करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो सेल का जो हैंडल है इसको पकड़ेंगे, डाउन पर ले आएंगे, डाउन पर ला के कंट्रोल प्रेस करिए, पहले माउस का क्लिक छोड़ दीजिए देन कंट्रोल छोड़ दीजिए, ये आपकी जो नेक्स्ट सीरीज़ है ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, जैसे देखिए BCA BCA मुझे लास्ट तक चाहिए, सेल हैंडल से पकड़िए, नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, यहाँ पर देखिए सेम वैसी ही डुप्लीकेट कॉपी आ गई जैसे ऊपर फर्स्ट सेल में थी। नाउ ऐसे ही मार्क्स कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इनका टोटल करेंगे। एक फॉर्मूला पक्का याद रखिए कि एप्सकल में अगर आपने कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको इक्वल टू का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिगनर हो फिर तो आपको इसका नीड पता होना चाहिए, इफ़ यू आर ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल को तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है टूल्स के बारे में। तो फिलहाल कोई भी आपने फंक्शन या फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए इक्वल टू सिंबल का यूज़ करेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं सम करने के। फिलहाल हम पहले नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। इक्वल टू लिखिए, उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपने टोटल करना है, प्लस सेकेंड सेल प्लस थर्ड सेल प्लस फोर्थ सेल, देन एंटर। अब देखिए अगर यहाँ पर मेरे 10 सेल्स हुए, क्या मैं 10 बार सेल्स को सिलेक्ट करूँगा? तो इसके लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वल टू देन सम फंक्शन का। सम लिखिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए, देन आफ्टर डैट जो आपका बिगनिंग सेल है उसको क्लिक करके लास्ट तक ले आइए। ऐसे भी आप एंटर कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज D2 प्रेस करिए, शिफ्ट को प्रेस करके कॉलन प्रेस कर दीजिए, देन G का 2। आपको सेल के एड्रेसेस पता होने चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए D के 2 में मेरा यहाँ कौन सा टोटल है हिंदी का, और G के 2 में मेरा कौन सा इसमें टोटल है, जो स्टूडेंट का टोटल आया हिंदी का, डेट वन इज साइंस का। ऐसे सेलेक्ट करके आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग जो ब्रैकेट है उसको क्लोज भी आपने करना है, अगर नहीं करेंगे तो कई बार आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करता, एंटर कर दीजिए। अब देखिए जो सबसे अच्छी बात है एक्सेल की वो क्या है कि आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने फिल कर लिया देन आफ्टर डैट यहाँ पर जो हैंडल आ रहा है दिस वन, इसको क्लिक करिए, सेल पॉइंटर छोटा सा आ रहा है, नीचे तक ले आइए। अब देखिए यहाँ मैंने कोई एंट्रीज नहीं की, लेकिन जब मैं फिर भी यहाँ पर नीचे ला रहा हूँ तो यहाँ 0 शो कर रहा है। अब देखिए और एक इसका अच्छा फीचर है, जो यहाँ पर मैं स्टूडेंट के मार्क्स फिल कर रहा हूँ, देखिए लास्ट में ऑटोमेटिक मेरा टोटल हो रहा है। कोई भी आपके मार्क्स यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट हो गए, तो मैंने यहाँ 7 करने हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 100 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने मॉडिफिकेशन किया तो यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ मेरा फॉर्मूला वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, यहाँ पर मेरे गलती से मार्क्स एंटर हो गए। फिर से इसको पकड़ लीजिए, नीचे तक ले आइए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप से ऐसी मिस्टेक वगैरह हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो बिगनिंग में फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पर जो उनके एड्रेसेस वगैरह हैं वो ऑटोमेटिक यूनिक आते रहेंगे। सो ये था हमारा सिंपल एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि सेल्स का यूज़ करके आप एडिशन कैसे कर सकते हैं। अपनी शीट को बॉर्डर वगैरह देना है, सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिंपल टूल्स हैं जो बाई डिफॉल्ट टूल्स आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये टूल्स आपने MS वर्ड में भी किए हैं। ऑल बॉर्डर ले लीजिए और यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर लीजिए, हेडिंग को थोड़ा बोल्ड कर लीजिए, यहाँ से आप कोई भी अगर देना चाहें कलर वगैरह दे सकते हैं, फॉन्ट का कलर देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी आपको कलर चाहिए। नेक्स्ट वन इसको बोल्ड करना चाहिए, बोल्ड कर लीजिए। फॉन्ट चेंज करना, यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आपकी नीड है। सो ऐसे आप एक्सेल में कोई भी रिजल्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए जो भी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लास्ट में देखिए 185 है, जब मैंने वैल्यू फिल करके एंटर किया तब आपकी वैल्यू वहाँ पर अपडेट होगी। वन मोर थिंग, एक्सेल में आप सिर्फ एरो कीज़ का यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर है। अगर आप माउस का यूज़ करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप एरो कीज़ का यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। सो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ MS Excel 2010 और 2019। 19 में भी आप सेम वैसे ही वर्क करेंगे, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है इसमें, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रोसेस करके देखिए, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइव सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, सो डैट वो भी इन बिगिनिंग टिप्स का यूज़ करके अपने वर्क को ईजी कर सकें और अपना टाइम सेव कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।